हेलो दोस्तों, आज एक मंथ हो गया मेरे चैनल को और देखा जाए तो YouTube ने मुझे उतना दिया जितना मैं शायद सोचा भी नहीं था। उससे कई गुना मुझे ज़्यादा YouTube ने मुझे दिया। और बात करें कि मेरे को जल्दी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि YouTube पे आप क्यों आए, तो देखा जाए तो एक तो मेरी फेस भी थोड़ी ठीक ठाक है और बचपन से मुझे कैमरे के सामने आने का शौक़ भी था, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो YouTube पे कुछ शुरू करते हैं। तो एटलीस्ट मैं YouTube पे शुरू किया। और दूसरा रीज़न एक ये भी है कि मेरी सिस्टर है एक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, मेरी सिस्टर 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उसके YouTube में। और मेरी मतलब मेरे रिलेटिव वगैरह भी YouTube में अच्छा खासा कर रहे हैं, वो लोग के पास भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर हैं। तो अगर बात करूँ उन लोग से हेल्प करने की, तो वो मेरे चैनल को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। जो चीज़ें मेहनत करने से मिलेगी उसका मज़ा ही कुछ और मिलेगा, उसका मुझे कद्र रहेगा उस मेहनत का। और जो चीज़ें अगर विरासत में मिल जाएगी, जो चीज़ें अगर मेरे फैमिली का किसी चीज़ के सपोर्ट से मिल जाएगी, हो सकता है मैं उसका आगे जाने पर उसका कद्र ना करूं, वो चीज़ें हमारे आगे मतलब उस चीज़ का रेस्पेक्ट ना रखूं, आगे ख़राब कर दूं। तो इसलिए कोई भी चीज़ अचीव करना चाहिए तो अपने मेहनत से ही अचीव करना चाहिए हमेशा। बात करूं मैं अपने चैनल में कंटेंट जो भी है मेरे ब्लॉगिंग्स में, मैं उसमें हमेशा डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा हूँ कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। क्योंकि देखा जाए तो लाइफ में गोल और टारगेट सेट करना ही चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। अगर आपके पास गोल और टारगेट नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं है आप में लाइफ में। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको गोल और टारगेट सेट करना ही पड़ेगा। आज एक मंथ हो गया मुझे यूट्यूब में और देखा जाए तो मैं 0.0% भी यूट्यूब को नहीं दिया हूँ, लेकिन बदले में यूट्यूब ने मुझे कुछ दिया ही है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब से 0.1% भी मुझे बदले में कुछ मिले। तो ठीक है, ओवरऑल मैं मेरा YouTube का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि एक इंसान तब तक बड़ा नहीं होता है जब तक उसको बड़ा सोच नहीं सकता है। एक इंसान अगर बड़ा सोच सकता है तो ही वो इंसान बड़ा हो सकता है। इसलिए आपको सोच बड़ी करनी होगी, कुछ अचीव करने के लिए बड़ा करना होगा। अगर आप YouTube के प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप कर सकते हैं अच्छा और करेंगे भी अच्छा अगर आप डे बाई डे इम्प्रूव करेंगे। देखा जाए ऑनेस्टली बताऊँ अपने एक मंथ का एक्सपीरियंस, तो YouTube में बहुत ही मेहनत है और लेकिन देखा जाए तो बहुत मज़ा भी है। तो अगर आप मेहनत के रूप में लेते हैं कि मज़ा के रूप में लेते हैं, ये आपको ऊपर डिसाइड करना है। मैंने तो ले के रख लिया उसको, मैंने अपना प्लेटफॉर्म सेट कर लिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अब YouTube के लिए वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हो, बस मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि मैं अपने एक मंथ के एक्सपीरियंस में मेरे को YouTube ने 12,000 से ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं मेरे चैनल्स को, मेरे चैनल की वीडियोस पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी हुआ ये सब चीज़ देख के। अगर YouTube मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं उस YouTube के लिए 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करूँगा जो मेरे लिए इतना करेगा। तो डेफिनेटली मैं YouTube के लिए और मेहनत करने वाला हूँ और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए ब्लॉगिंग के साथ, जो आप रियली देख के इन्जॉय करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अगर वीडियो बनाऊं, तो सिंपली कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में, तुरंत मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। मैं या मेरी टीम कोई भी होगी तो आपको कांटेक्ट करेगी, आपके लोकेशन पे आके वीडियो शूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के ब्लॉगिंग बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, मैं फनी कंटेंट बनाता हूँ ब्लॉगिंग के साथ जो आप देख के रियली एंटरटेन होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।